हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है ओपनिंग के बाद क्या करें या कैसे खेले, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखेंगे। और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, एक मेरा फेवरेट एग्जांपल है। थोड़ा सा कह सकते हैं लेवल हाई नहीं है, लेकिन अनराइटेड प्लेयर्स को ये एग्जाम्पल मालूम होना बहुत जरूरी है। इसमें दो चीज होता है, एक तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड का असलिंग का सीनारियो है, और दूसरा दोनों ही साइड का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। व्हाइट का लास्ट मूव f4 है, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पे जब पॉन f2 पर था, व्हाइट ने इधर nf3 करना जरूरी था, शायद बिशप c4 करके डेवलप करना चाहिए था। व्हाइट ने सोचा कि स्पेस गेन कर लेता हूं f4 और e4 से। अब ब्लैक करेगा भी क्या, क्योंकि d5 तो हो नहीं रहा है, क्योंकि इस लाइन में सब पीसेस आ जाएंगे, राइट। तो सबसे बड़ा जो ट्रैप यहाँ पे व्हाइट सोच रहा है, शायद D5, ED, ND5, ND5, उसके बाद BC3 या BB4 करके एक्सचेंज लेने का, ये एक आइडिया हो सकता है उसके माइंड में। ब्लैक ने सोचा मेरा डेवलपमेंट 1, 2, 3, 4 है, व्हाइट का भी 4 है, मेरा बिशप थोड़ा एक्टिव ज्यादा है, क्वीन अभी तक प्ले में नहीं है, तो दिखने में लग रहा है व्हाइट के पास स्लाइट एज है, लेकिन ब्लैक का जो पोजिशन है बहुत ही सॉलिड है, कोई वीकनेस नहीं है स्ट्रक्चर में। व्हाइट ने क्या किया है, डेवलपमेंट में पीछे नहीं है, लेकिन BD2 वेल प्लेस्ड नहीं है इस वक्त। तो ब्लैक ने सोचा कि इनिशिएटिव लेता हूं इंस्टेंटली, तो उसने खेला D5। तो ओपनिंग के बाद हम क्या करते हैं, हम सेंटर को ब्रेक करते हैं। और कब सेंटर ब्रेक करते हैं, जब ओपोनेंट साइड में खेलता है। तो जैसे अभी इसने सेंटर में नहीं खेला, F4 या H4 भी खेला होता तो भी ब्लैक D5 सोचता। तो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद भी सेंटर ब्रेक, और ओपोनेंट अगर साइड में खेले तो भी सेंटर ब्रेक। तो दोनों ही रूल के हिसाब से ब्लैक ने सेंटर ब्रेक किया। पर आइडिया सिर्फ ये नहीं है, e takes d5 को उसको knight d5 नहीं लेना था, उसका आइडिया था nb4। बहुत सिंपल तरह से इनिशिएटिव ले रहा है। अब d5 पे अटैक है, व्हाइट को चांस ही नहीं दे रहा है। अब व्हाइट ने एक दो और मिस्टेक किया और उसके बाद उसको कोई चांस मिला ही नहीं। अब सबसे बड़ा देखिए तकलीफ ऐसा है कि knight e d5 होने वाला है, और दूसरा एक प्रॉब्लम है कुछ लाइंस में, bishop c3 knight a2 चेक करके knight c3 और फिर knight d5 हो जाएगा। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स है, मेन तो knight e d5 का थ्रेट है। व्हाइट ने खेला bishop c4, सिंपली d5 को प्रोटेक्ट किया। लग रहा है फिर से d5 लेना पॉसिबल नहीं है, knight d5 bd5 queen d5 को bb4 में एक्सचेंज चला जाएगा, उसमें भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन ब्लैक ने जल्दी नहीं किया, फिर से खेला डेवलपमेंट विथ अटैक। तो इस गेम में क्या अलग हुआ है, जो मैं प्रिंसिपल्स के बारे में उधर लिख रहा था टाइटल में, कि प्रिंसिपल क्या कहता है कि डेवलपमेंट करो और सेंटर ब्रेक करो, इस केस में थोड़ा सा उल्टा हुआ है, सेंटर ब्रेक किया और फिर डेवलपमेंट से टेम्पो गेन किया। और अब bb3 करना फोर्स c2 तो दे नहीं सकता है, bd3 करने से bd3 cd knight e d5 में ब्लैक क्लियरली बेटर हो जाएगा। तो bb3 किया और उसको ब्लैक ने किया knight e d5। थोड़ा सा कैलकुलेशन किया उसने, देखा कि knight d5 bd5 queen d5 bb4 एक्सचेंज मारने का अगर ट्राई किया तो ये दोनों ही बिशप्स बहुत पावरफुल है। queen takes a2 होगा, इसके बाद बिशप f8 को qb2, ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है ब्लैक का, देखने से ही पता चल रहा है, फिर भी हम एक बार करके देखेंगे। knight d5, knight takes d5, bd5, qd5, bb4, bc3 शायद जरूरी था तो भी लॉस्ट है, क्योंकि a2 तो जा ही रहा है, बिशप f8, और अब qb2 चेक के बाद टोटली लॉस्ट, kd2 पोस्ट, queen c2 चेक, बहुत सारे ऑप्शन है एक्चुअली, rook d8 भी बढ़िया है, ke1 और उसको बिशप c3 चेक, queen c3 करना पड़ेगा, नहीं तो king f1 qd1 kf2 को bd4 में queen पिन हो जाएगी। डेवलपमेंट तो व्हाइट का कुछ है ही नहीं, तो पोजिशन ऑफकोर्स लूजिंग ही है, ब्लैक का सारे जो पीसेस है एक्टिव हो चुके हैं। चलिए गेम पर चलते हैं, देखते हैं क्या किया व्हाइट ने। तो knight d5 को व्हाइट ने knight takes d5 तो किया, पर knight d5 के बाद bd5 लिया नहीं, queen f3 खेला, d5 के knight पर अटैक रखा। अभी भी व्हाइट सोच रहा है बिशप मूव करने के बाद इस डिस्कवर्ड अटैक का यूज हो सकता है। इस पोजिशन को आप लोग जरूर यहाँ पे वेट करें, इवेलुएट करें और मूव ढूंढने की कोशिश करें, पोजीशन को देखते ही पता चलेगा। अब डेवलपमेंट में देखिए तीनों माइनर पीस डेवलप्ड है, रूक है और क्वीन का मूव हो सकता है,
तो हम क्वीन को गिनेंगे इधर, मूव है, मूव को भी गिन सकते हैं हम, तो 1 2 3 4 और द मूव 5 डेवलपमेंट्स, और व्हाइट के पास जो है 4 ही है, तो ब्लैक ने अटैक जनरेट कर दिया क्वीन f6। अब गेम ज्यादा लंबा चला ही नहीं क्योंकि किंग साइड जो है पूरी तरह से आप देखो डैमेज है। गेम देखने के बाद ऐसे लगेगा कि शायद बिशप c3 दे ही देता तो व्हाइट इसमें थोड़ा सा बच जाता, नाइट c3 क्वीन c3 क्वीन c3 bc बिशप c3 के बाद ऐसे ही पॉन दे देना पड़ता, पर एटलीस्ट जो गेम में हुआ उससे ये बेटर है, मतलब समझिए गेम में क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला c3 qb2 रोका और यहाँ पे आ गया नाइट b4। अब एक के बाद एक टैक्टिक्स होते गए और व्हाइट को चांस नहीं मिला, इसलिए मेरा एक फेवरेट गेम है। जितने भी प्लेयर्स जो 1000 से कम हो अनरेटेड हो उन लोगों के लिए मैं कभी ना कभी एक पॉइंट पे इनिशिएटिव लेने के लिए, सेंट्रल ब्रेक के लिए, ऑपोजिट साइड कैसल में पीस अटैक जनरेट करने के लिए ये एग्जांपल जरूर यूज करता हूँ। अब देखिए Nd3 चेक का थ्रेट है और फिर डिस्कवर्ड चेक होगा, तो बिशप c4 फोर्स d3 को गार्ड किया। अब ऐसे लगता है कि b5 करना चाहिए, b5 भी बहुत अच्छा है, पर b5 को g4 थोड़ा चांस मिलेगा, तो ब्लैक चाहता नहीं था व्हाइट को कोई भी चांस मिले। देखिए वीकनेस है, एक तो बिशप जो अनसपोर्टेड है, दूसरा है नाइट a2 मेट, तो यानी ये बिशप हो गया डिफेंडर, तो ब्लैक ने खेला क्वीन a6 स्ट्रॉन्ग मूव, नाइट b4 एक हो गया सेक्रीफाइस, अब हो गया qa6। मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा c takes b4 हो नहीं रहा था क्योंकि qb2 मेट था, तो अभी बिशप a6 को नाइट a2 मेट देखने में लगता है कोई भी ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली है ही नहीं। c takes b4 को क्वीन c4 बिशप c3 और यहाँ पे क्वीन a2, ये भी पोजीशन टोटली लूजिंग है। व्हाइट ने खेला g4, यहाँ पे qc4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, qc4 g takes f5 और उसको नाइट a2 या शायद क्वीन a2, पर ब्लैक ने तो सोचा यहाँ पे व्हाइट को चांस देना ही नहीं चाहिए, फोर्स करना चाहिए सब कुछ, और उसने मोस्टली देख रखा होगा क्वीन a2। पिछले तीनों मूव में किसी ना किसी तरह से ब्लैक ने सेक्रीफाइस किया, अब तो पोजीशन इतना खराब हो चुका है व्हाइट का कि एक भी हैंगिंग पीस लिया नहीं जा सकता। सीबी को qb2 bb2 दोनों मेट है, g takes f5 को क्वीन a1 मेट है, तो बिशप हिला के d2 पे जगह बनाना एक ही ऑप्शन है, नहीं तो क्वीन b1 भी मेट है यहाँ पे। तो अगर बिशप e3 करे जो कि गेम में हुआ, और दूसरा ऑप्शन है बिशप e1 करे, बिशप e1 को qb1 चेक, ad2, क्वीन b2 चेक, ke3, रूक e8, ये एक सबसे सिंपल ऑप्शन है, चेक हो गया, क्वीन e4 करके क्वीन दे देना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद मेट भी हो जाएगा। और b1 को एक वेटिंग मूव रूक d8 भी था, uk d8, d5 बंद करने के लिए। व्हाइट ने खेला बिशप e3 और अब ब्लैक ने एक और फाइनल किलर ब्लो d2 का जगह बनाया था ताकि qb1 चेक, ad2, qb2, ke1 भाग सके, वो भी विनिंग है ब्लैक का, पर ब्लैक ने खेला बिशप c3। लास्ट पांचों ही मूव में ब्लैक ने व्हाइट के ऊपर एक से बढ़कर एक सेक्रीफाइस और कॉम्बिनेटिव आइडिया का यूज किया है। यहाँ पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते, बीसी को qc2 मेट, d3 करके b1 बंद करे तो qa1 मेट, बिशप टेक्स a2 करे, नाइट a2 में एक यूनिक पैटर्न बना चेकमेट, और क्वीन e2 क्वीन f2 को भी qb1 और qa1 चेकमेट, तो इसीलिए व्हाइट को रिजाइन करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है आपको भी यह गेम पसंद आया होगा, कुछ डेवलपमेंट के रूल्स के बारे में और क्लैरिटी आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।